नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर चोमू से। बांसा फतेहपुरा के पचवारे रीना गुप्ता को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 1350 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम आरोपी पटवारी से कर रही है पूछताछ। जमीन के सीमा ज्ञान के नक्शे की फोटो कॉपी के लिए मांगी रिश्वत। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, बांसा फतेहपुरा के पटवारी रीना गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। 1350 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एसीबी की टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है। सीमा ज्ञान के नक्शे की फोटो कॉपी के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर चोमू से। जमीन के सीमा ज्ञान के नक्शे की फोटो को बता दें, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बांसा फतेहपुरा में पटवारी रीना गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। 1350 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई। एसीबी की टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटवारी रीना गुप्ता रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर ली गई है, क्या है पूरी अपडेट? देखिए रोशनी, बताना चाहूंगा कि ये बांसा फतेहपुरा की पटवारी है जो एससीबी की ट्रैप है, यहाँ पर की गई है। पटवारी को रंगे हाथों 1350 रुपए यहाँ पर बरामद किए गए हैं और रंगे हाथों उसको पकड़ा गया है। और पटवारी को अब है जो चोमू थाने लेकर आया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो प्रक्रिया है एससीबी की वो पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और ये जो पूरी कार्रवाई है एसीबी जो अधिकारी है उनके नेतृत्व में चल रही है। और फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो रिश्वत की जो मांग की गई थी वो किसी सीमा ज्ञान जमीन को लेकर उसकी नक्शा की नकल देने के एवज में मांगी गई थी। जी रोशनी जी, एसीबी को कहीं से कोई सूचना मिली थी जिसके आधार पर या रंगे हाथों पकड़ा गया है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एसीबी पहले शिकायत के आधार पर इस पर कार्रवाई की है। जो बांसा फतेहपुरा पटवार हल्का आता है वहां पर जो परिवादी है सुरेश कुमार, उन्होंने शिकायत की थी कि जमीन के सीमा ज्ञान के नक्शे की फोटो देने के एवज में उन्होंने रिश्वत मांगी थी। और जो एसीबी अधिकारी है इसके बाद उन्होंने जाल बिछाया और अपना जो बांसा फतेहपुरा जो पटवारी है वहां पर रंगे हाथों रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। जो यहाँ की जो एसीबी अधिकारी है पुलिस निरीक्षक मीना वर्मा, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। और ये जो पूरा मामला है जमीन से जुड़ा हुआ है, सीमा ज्ञान के नाम पर नक्शे की एक फोटो केवल मात्र एक फोटो कॉपी देने के एवज में 1350 रुपए लिए जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पटवारी है वो किस तरह से खेल खेलते हैं। भ्रष्टाचार का जो पूरा खेल जिस तरह से चल रहा है चरम पर है। और जो अधिकारी है वो कोई इस पर ध्यान नहीं देते, बार बार इसकी शिकायत होती है कि इस तरह की गतिविधि हो रही है, लेकिन अधिकारी भी इस ओर अनजान बने होते हैं। उदासीनता के चलते इस तरह की स्थिति सामने आती है। कहीं ना कहीं जो इस तरह का ट्रैप जो सामने आया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे पटवारी यही है, और भी ऐसे लोग हैं जिस तरह से गतिविधि को अंजाम देते हैं, लेकिन शिकायत के बाद ही इन पर कोई अंकुश लग पाता है। लेकिन जो फरियादी होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, वो बार बार शिकायत करते हैं, उच्च अधिकारी को बताते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं और जो अन्य अधिकारी है जो जो यहाँ के पटवारी है उन पे कहीं ना कहीं डर एक पैदा करने वाला काम करेगा ये। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।